सुपर हिट रेड एफ एम मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है ही इज़ नॉट जस्ट अ सिंगर ही इज़ अ म्यूजिशियन ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड अ बिग पार्ट ऑफ सलीम सुलेमान आप इसे मिल चुके हैं पहले बट ही इज़ फीचरिंग ऑन दिस स्पेशल सॉन्ग वंस अगैन वेलकम राज थैंक यू राज हम लोग जब ये बना रहे थे गाना तो ऑब्वियसली इट वॉज़ उस्मान भाई सॉन्ग इट वेरी क्लियर दैट इट वॉज ये गाना कच्छी uh, गाना था और right. मुझे इसमें

बाबा हाजी पीर के लिए ये हमने बनाया था एंड इट वॉज़ लाइक अ दुआ आई फेल लाइक यू नो द वर्ड्स हालांकि इस गाने की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत इट्स अ गॉड अ वेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर दिस थिंग आई फेल लाइक इट हैज़ टू है कैन एन आर एन बी टच टू इट एंड आई रिमेंबर वेरी वेल जब

That this gana uh, you know you nodded your head and you <laughs> felt like, yeah this is it's sounding good, it's coming out nice, and without me saying this, apne isko apna manadiya, and that was really really nice because the way you sang it, yeah. it just stayed with me and it just kind of you know your voice and your vibe, it just you know sort of well went so well. मेरी आवाज़ से शुरुआत होती है इस गाने में और फिर ओसमान भाई का एक अपना रंग है एंड देन यू एडेड योर ब्यूटिफुल टच टू इट वॉट डिड यू फील इट फेल्ड वेरी ऑर्गेनिक एक्चुअली बिकॉज़ वेन यू थिंक ऑफ अ फोक सॉन्ग यू इधर मिक्स इट विथ विथ हिंदी और उर्दू दैट इज़ यू नो मोर अंडरस्टैंडेबल टू पीपल इट बिकम मोर पैलेटेबल पर एक ही गाने में तीन अलग लैंग्वेजेज इतना सीमलेसली फ्लो होना इज़ वेरी वेरी रेयर दैट यू फील गुड अबाउट इट इधर hmm. या तो वो बहुत फोर्स लगता है या फिर जबरदस्ती आप अगर यू नो यू ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट इट फील्स लाइक दैट पर इस बार ऐसा नहीं था इट वॉज वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन वाइल मेकिंग द सॉन्ग एंड विद इलेक्ट्रॉनिक कलर्स जो हमने ट्राई किया प्रोडक्शन में उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था और ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है बिकॉज yeah. हकअली में तुम्हारा एक बहुत ही डिफरेंट रूप हमें yeah. देखने मिला फ्रॉम आई मीन दैट्स योर रियल रूप बट आई डोंट नो वॉट रियल नाउ बिकॉज दिस इज दिस इज ये गाने में एक uh, अलग राज पंडित uh, को आप एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज इट्स अट्स एंटायरली इंग्लिश एंड इट हैज़ अ वेरी आर एन बी सोल कैंड ऑफ अ वाइब टू इट एंड जो हकली में बहुत ही अलग था उसका एक यू uh, नो you know, उसकी, उसकी अलग सोल yeah. थी उसकी अलग सोच थी yeah. uh, गायकी बहुत अलग थी uh, पर इसमें एक

तो मुझे लग रहा था ये अलग ही एक uh, hmm. कुछ दुनिया है जिसके मतलब बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है और आई स्टार्ट लिसनिंग एंड डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इंग्लिश म्यूजिक तो वही सुनते सुनते कहते ना कि आप सीखते हो बहुत कुछ hmm. तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हुआ टू सिंग इन इंग्लिश ऑल्सो ट्राई एन अटैम्प्ट इट एंड यू नो विद सिंगर्स लाइक अरमान फॉर एग्जाम्पल अरमान मलिक और इवन बेनी दयाल हु डू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो वेल उनको देख कर सीखना मैन वी वर्क टुगेदर इन द स्टूडियो सी हाउ दे change a certain twist personality and shift huh? Shift that uh, oh, uh, oh. like they're a different person when they're singing in a particular language hmm. so just try and adapt uh, those things and inculcate those habits and try and sing the manikut covers because some recorded when i started singing in english and i put them up on soundcloud and all hmm. the i can still hear all the mistakes obviously because all the v's and w's and technicalities ah. that you listen yeah, to yeah. because it's not my first language so sure. english my uh, sastani's language mein, Say about this, huh? musically at least huh. तो वो डेवलप करते करते इतने सालों में ट्राइड टू यू यू नो एंड कीप पुशिंग बाउंड्री सो मच इवन व्हेन आर सिंगिंग लाइव आई थिंक यू पुश मी मीट फीलिंग शोज हम जब गाने करते हैं

इस गाने में वही वही हुआ है yeah. कि जो हम हिंदी में कह रहे हैं उर्दू में कह रहे हैं वो uh, उस्मान भाई कच्छ में, कच्छी में कह रहे हैं एंड देन यू से हो जाए यारिश इज एम क्लोज टू यूल

हिंदी उर्दू एंड कच्ची वुड जस्ट लाइक ब्लैंड बट जब सोच अपनी प्योर होती है और अपनी नीयत सही होती है ना एंड एवरी थिंग जस्ट फ्लोज़ इन टू इच अदर सो सीमलेसली एंड सो ब्यूटिफली एंड दैट्स ऑ लाइक एस दिस म्यूजिक डजन हैव एनी लैंग्वेज इट हैज़ अ वेरी यूनिवर्सल सॉट ऑफ अ कॉल एंड इट इज इट्स अक अपनी उसकी खुद की भाषा है इज़ नो लाइक यू नो बाउंड्रीज वैन इट कम्स टू लैंग्वेज और यू नो आई इस गाने से मुझे बहुत एक्चुअली uh, uh, बहुत सारी जो क्लैरिटी होती है ना आई मीन आई लॉट ऑफ थिंग्स बिकेम वेरी क्लियर दैट देर आर एब्सुलटली नो बाउंड्रीज विथ लैंगवेज हम सोचते कि यार इसमें इंग्लिश में हिंदी में, में कैसे होगा ये दूसरी कोई भाषा आएंगी इंग्लिश में बट आई फेल्ट रियली हैप्पी बिकॉज एक तो पहली बार फेल्ट राइट इट जस्ट फेल्ट राइट दैट इट इतने चार मिनट के स्पैन uh, में you're shifting from Urdu to Kachhi to English to you know yeah. all kinds of different uh, patterns and suddenly uh, Mohan Meena आ जाता है and like right. you know the solo of Vish ah. Pandit Vishwamohan Mohan Bhatt. and uh, and like I said and that also is something which I never imagined मैंने सोचा भी नहीं था कि you know uh, मेरी ख्वाहिश थी again Pandit Vishwa Mohan board के साथ काम करने की और हम एक दूसरे को हमेशा बोलते थे कि कुछ करेंगे साथ कुछ yeah. करेंगे साथ पर जिस तरह से uh,

My wishes come true when I'm close to you. I will be there where you are, no matter how far, I will come to you.

दिस ने पर वो जो वक्त होता है वो निकल जाता है एंड देन समटाइम्स यू नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट मोमेंट एंड दैट फील तो बट इस गाने में राजब एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी दैट कहीं ना कहीं जो अंदर जो एक्चुअल जो आपकी सिंगिंग है आपकी गायकी है विच इज सो वर्स स्टाइल यू हैव दैट इंडियन स्टाइल विच इज रियलीयर एंड वेस्टर्न स्टाइल विच इज सो यूनिक एल्बम के थ्रू ये प्रोजेक्ट हुआ है योर योर एंटायर टैलेंट हैज बीन प्रोजेक्टेड एंड नॉट जस्ट एज अ सिंगर बट ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अज अ कंप्लीट आर्टिस्ट एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम हैप्पी दैट यू बिन बिग बिग पार्ट ऑफ भूमि ट्वेंटी ट्वेंटी इट्स रियली ब्लेसिंग बिकॉज दो हज़ार बीस वी ऑल नो हाउ द इज एंड टू ऑन सच अ वंडरफुल नोट फॉर ऑल पर्सनली एंड यू नो फॉर देंसिस मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि uh, इस तरह से मुझे एक भूमि ट्वेंटी ट्वेंटी का जो प्लेटफॉर्म है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन ऑल द वेज आई कैन उसका एक मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती तो एक ही एल्बम में दोनों रंग को शोकेस करना और उसका जस्ट टू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स कम टुगेदर वाकई में और और दो और दोनों ये गाने जो है हकली दोनों दोनों गाने में इतनी स्ट्रॉन्ग डिमोशनल बात हैज डिफरेंट इम्पॉटेंस एंड मीनिंग टू दी एल्बम स्पेशली दोनों गानों के रंग अलग है yeah. एक कवाली है वन इज नो पॉप काइंड ऑफ अ ट्रैक पर दोनों की जो नीयत है वो बड़ी पाक है और बड़ी नेक है एंड यूर वेरी यूर फीचरिंग ऑन बोथ दिस सॉन्ग सो दै आई एम वेरी हैप्पी अबाउट सो क्रेजी वेल आई एम वेरी थैंकफुल आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज टर्न आउट सो ब्यूटीफुल थैंक यू राज You, हाजी पीर आप पूरे हफ्ते रेड एफ पर सुन सकते हो एंड खासकर इस शो पर रेड एफ एम द भूमि प्रोजेक्ट विद मी सलीम मजिद बजाते रहो रहो